हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिर्फ दो इंग्रेडिएंट के साथ में बिना किसी क्रीम, मलाई या फिर कंडेंस मिल्क के हम आसानी से क्रीमी आइसक्रीम कैसे बनाएं। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमने यहाँ पर फुल पके हुए केलों का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पर 6 केले ले लिए हैं और फिर हम एक प्लेट ले लेंगे और उसके ऊपर हम बटर पेपर रख लेंगे। अब हम केलों को छील लेंगे और फिर उन्हें स्लाइसेस में काटकर बटर पेपर के ऊपर हम बिछा देंगे। इस आइसक्रीम की खास बात यह है, हमने कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया है, तो ये वीगन लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। एक लेयर केलों की हमने बना ली है और बाकी बचे हुए केले भी इसी तरह से काटकर बटर पेपर के ऊपर रख के लेयर बाय लेयर हम रखते जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि हमें इस तरह से केले काटकर फ्रीजर में जमाने हैं और अलग अलग इसलिए हम रख रहे हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं और निकालने में आसानी रहे। जब हम लास्ट में केले की लेयर लगा लेंगे तो उसके बाद एक्स्ट्रा बटर पेपर को इस तरह से हम काट लेंगे। अब हम इन केलों को क्लिंग रैप से रैप कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्लिंग फिल्म है तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हमें यहाँ पर कुल मिलाकर करना ये है कि इस तरह के जो केले की स्लाइसेस हैं उन्हें हमें फ्रीजर में सेट होने के लिए रखना है, उन्हें अच्छी तरह से जमा लेना है। अगर आप इस तरह से जमाना नहीं चाहते तो आप क्या करें, एक बड़ा जिप लॉक बैग ले लें और इस तरह के स्लाइसेस में कटे हुए केलों को उनमें डाल लें और फिर उन्हें फ्रीज़र में डालकर फ्रीज कर लें। केलों को हमने 7-8 घंटे के लिए जमने के लिए रख दिए थे और जब यह बिल्कुल जमकर इस तरह से हार्ड हो गए थे तो हमने इसे बाहर निकाल लिया और ऊपर का जो क्लिंग रैप है उसे हम हटा लेंगे। इस आइसक्रीम में खास बात यह ध्यान रखनी है कि केले अच्छी तरह से सॉलिड हार्ड जमे हुए होने चाहिए, तभी ये आइसक्रीम बनेगी। तो आप चेक कर लें कि इस तरह से हार्ड जमा हुआ है केला, तो ही इसे आप फ्रीजर से बाहर निकालें। अब इन सॉलिड जमे हुए केलों को हम ग्राइंडिंग जार में डाल लेते हैं और इन्हें स्मूथ सा चर्न कर लेंगे। केलों को ग्राइंड करते वक्त इसके अंदर हम 1/4 कप दूध डालेंगे। अगर आप वीगन आइसक्रीम बना रहे हैं तो आप कोकोनट मिल्क डाल लें। जब आप केलों को मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो इस तरह का स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा। और अब इस तरह से आइसक्रीम का बेस बनकर तैयार हो गया है। अब इस वक्त आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आप चॉकलेट पसंद करें तो कोको पाउडर मिला लें या फिर स्ट्रॉबेरी, वनीला, किसी भी तरह का फ्लेवर ऐड कर लें और उसे मिक्स करके सेट होने के लिए रखें। हमने नेचुरल बनाना फ्लेवर बनाए रखने के लिए इसमें किसी तरह का फ्लेवर ऐड नहीं किया है। जब आइसक्रीम फ्रीज़र में 3-4 घंटे के लिए सेट हो जाएगी तो अब इसे हम सर्व कर लेंगे। और अब इस आइसक्रीम को कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। तो ये थी क्विक 2 इंग्रेडिएंट बनाना आइसक्रीम की रेसिपी। और अब जाने से पहले वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दें, लाइक कर दें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।